नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, किंतु फिजूल के खर्चों से बचे। आय के नए स्रोत बनेंगे, उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुख सुविधा के समान पैसा खर्च होने के योग है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में मौजूद अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। जिस चीज में मन लगाएंगे उस चीज में सफलता हासिल होगी। अपने ज्ञान और बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में होंगे। भूमि भवन खरीदने का विचार बन सकता है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज का दिन सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। दिन भर दौड़ धूप बनी रहेगी। काम काज के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो थकान भरी होगी। पूर्व में अटके कार्य बनेंगे। आर्थिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। कर्क राशि, आज का दिन खूब मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। काले सत्र में कड़ी मेहनत करने पर सफलता जरूर हासिल होगी। प्रोफेशनल जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन पर विशेष ध्यान देंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सहकर्मियों के प्रशंसा के पात्र बनेंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दिन आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा। आर्थिक स्थिति के साथ साथ घरेलू जीवन में भी सुधार होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके मनपसंद जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि, आज आपका दिन बेहतर से सामान्य रह सकता है। कारोबार में खूब मेहनत करेंगे, जिसका फल आपको आगे जाकर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को उच्च पद प्रमोशन भी प्राप्त होगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ फल लेकर आ रहा है। दिन आपके अपेक्षाओं से बेहतर रहेगा। आपकी बनाई योजनाओं में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में दिन अति व्यस्त रह सकता है। मेहनत का फल मिलेगा। व्यापारी वर्ग पूंजी निवेश करने से पहले किसी की राय अवश्य लें। स्वास्थ्य में आज सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए बेहतर से सामान्य रहेगा, किंतु घरेलू मोर्चे पर आज मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर काम समय से पूर्ण हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन सामान्य है। छात्रों को किसी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी काम अटक सकता है, जिसके चलते परेशानी का अनुभव करेंगे। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। जमीन जायदाद से जुड़े मामले उलझ सकते हैं। व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। कार्य क्षेत्र में चल रहे गतिरोध दूर होंगे। कोई सुनहरा अवसर हाथ लग सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यापारी वर्ग के लिए दिन खास रहेगा। कोई महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त हो सकता है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रह सकता है। आज आप मानसिक थकान का अनुभव करेंगे। शरीर में चुस्ती फूर्ति की कमी रहेगी। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आज का काम कल पर ना डालें, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। आप शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं। कार्यालय में एक के बाद एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिससे काम का बोझ महसूस करेंगे। कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश करने का निर्णय सोच समझ कर ले। साझेदारी के व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। आय के विभिन्न स्रोत बन सकते हैं।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका जीवन कैसे होगा, आपका आने वाला समय कैसे होगा, आपकी किससे मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक, मूलांक एक के जातक अधूरे कार्य पूरे होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, निवेश से मुनाफा हो सकता है, कार्य क्षेत्र में नए प्रेम संबंध बनेंगे, विवाहित लोगों का आज पत्नी से झगड़ा हो सकता है, जो भी आपसे मिले उससे नम्र व्यवहार करें। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक दो, मूलांक दो के जातक प्रॉपर्टी पर निवेश करना आपको लाभ दे सकता है, अचंभित करने वाली खबर मिल सकती है, आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, नया घर खरीद सकते हैं, सही दिशा में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक तीन, मूलांक तीन के जातक छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, कार्य व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक है, पैसे के मामलों में आज का दिन चुनौतियों से भरा रहेगा, आप आर्थिक रूप से प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक चार के जातक सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है, पेट दर्द या गैस की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, दिन की शुरुआत में आप निराश महसूस कर सकते हैं, लेकिन शाम तक आप अपनी सभी समस्या का हल निकाल लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आज देरी हो सकती है। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक पांच के जातक आपकी बुरी आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों से कड़ी चुनौती मिलेगी, परीक्षा देने वाले छात्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक छह के जातक मनोरंजन के लिए दिन अनुकूल है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे, लेकिन इसका असर आपके निजी जीवन पर पड़ सकता है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक सात के जातक आप कश्मकश की स्थिति में रहेंगे, फैसला लेने से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आज आप परिवार या अपने करीबी दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, मन विचलित रहेगा, जिसके कारण पत्नी से झगड़ा हो सकता है। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक आठ के जातक नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे, रुके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं, आज निवेश करने का अच्छा अवसर है, इस मौके का लाभ उठाएं, धन खर्च करने से पहले भली भांति जांच लें, लंबी स्थायी चिंता से राहत की उम्मीद मिलेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक नौ के जातक अपनी सेहत का ध्यान रखें, खास तौर पर अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, ऑफिस में आज बॉस से कहा सुनी हो सकती है, ऐसे में ध्यान रखें। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। अशुभ काल, राहु सुबह 7:40 से सुबह 9:18 तक, यमगंड सुबह 10:55 से दोपहर 12:32 तक, कुलिक दोपहर 2:10 से दोपहर 3:47 तक, दुर्मुहूर्त दोपहर 12:58 से दोपहर 1:50 तक और दोपहर 3:34 से शाम 4:26 तक, वर्जम सुबह 4:32 से सुबह 6:17 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 तक, अमृतकाल दोपहर 1:37 से दोपहर 3:21 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक। ये तो थी आज की राशि, फलंक राशि और पंचांग, कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है।
सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृ दोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव को जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु
भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त, जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए, ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है, साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं, रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है, उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही ना सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम, हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है।
वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया, तब विष्णु ने अपनी आँख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाथ पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजेय अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के सातों दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।